सेल्स टारगेट को अचीव करना अगर आपका पैशन है, साथ में आप वर्क अंडर प्रेशर की एबिलिटी भी रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गेट योर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो करंट ओपनिंग है उनके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बैंक की वेबसाइट है capitalbank.com.in। इस बैंक की वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर इस वेबसाइट को ओपन करें और जो मैं स्टेप बता रहा हूं उनको एक एक करके फॉलो करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करना होगा, देन उसके बाद यहां से आपको इसको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कैरियर्स, इस पे आपको क्लिक करना होगा। कैरियर्स में क्लिक करने के बाद यहां से फिर इसको आपको स्क्रॉल करना होगा और यहां पे आप देख सकते हैं टू नो अबाउट जॉब ओपनिंग्स इन अपकमिंग ब्रांचेस काइंडली क्लिक हियर। फ्रेंड्स, जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपकमिंग जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे जो करंट ओपनिंग है उनके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं और जो अपकमिंग ब्रांचेस हैं यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की और वहाँ पे जो ओपनिंग है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक करके उनके बारे में आप जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अपकमिंग ब्रांचेस हैं वहाँ पे जो ओपनिंग है उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्लिक हियर में। क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहला है जैसे ब्रांच मैनेजर की, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 8 to 12 ईयर्स का आपका बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी पोस्ट है ऑपरेशन हेड, क्रेडिट हेड मैनेजर डिप्टी मैनेजर, इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 to 8 ईयर्स का आपके पास बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद है फ्रेंड्स ब्रांच सेल्स मैनेजर टीम लीडर, जिसमें ग्रेड रहेगा मैनेजर ड्यूटी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए और 3 to 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स में। देन उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है मैनेजर की, ड्यूटी मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर एग्री। बैंक के जितने भी एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए ये पोस्ट है फ्रेंड्स। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर आवश्यकता है। इस पोस्ट के लिए भी फ्रेंड्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए और 3 to 4 ईयर्स का आपके पास बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट पोस्ट है फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसमें भी आप पोस्ट का ग्रेजुएशन होना चाहिए और अगर इसमें आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सभी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो अपकमिंग ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं उनकी वैकेंसी हैं, इसके बारे में आप यहां से देख सकते हैं। और अपना रिज्यूम अगर आप इस बैंक में सबमिट करना चाहते हैं तो careers@capitalbank.com.in पर सेंड कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करके अपना रिज्यूम आप सबमिट कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं अपलोड योर रिज्यूम हियर, नेम ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर और कौन सी ब्रांच आप प्रेफर करना चाहते हैं और मैसेज लिख के चूज फाइल में आप अपना रिज्यूम अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर उनको आपका रिज्यूम सही लगता है, आपकी प्रोफाइल उन्हें फिट लगती है, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। सो फ्रेंड्स ये रहा एक तरीका जिसके द्वारा आप कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब पा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जिस बैंक में भी जॉब करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपके नियरेस्ट उस बैंक की शाखा पता करें कहाँ पे उसकी शाखा है। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा, गूगल पे सर्च करके पहले उसकी शाखा के बारे में पता करें कहाँ पे उसकी शाखा है, उसका एड्रेस क्या है। अगर ज़्यादा दूर नहीं है फ्रेंड्स तो वहाँ पर आप स्वयं जाकर इस बैंक की वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पता करें, जैसे कि इस बैंक में मैं कैसे जॉब पा सकता हूँ, इसके इंटरव्यूज़ कहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें आपके पास इस बैंक से रिस्पॉन्स आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप इस बैंक में जॉब पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं वहाँ पे जो ओपनिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो इसके लिए आपको यहाँ से बैक करना होगा, देन उसके बाद जॉब ओपनिंग्स इन एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से इसको आपको स्क्रॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन जो रहेगा आपका, तो उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो पोस्ट है फ्रेंड्स मैनेजर ड्यूटी मैनेजर
रिलेशनशिप मैनेजर एग्री, एग्री डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्ट है फ्रेंड्स। इसमें भी आप पोस्ट का ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 to 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद है फ्रेंड्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रिटेल बैंकर्स, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और अगर आप फ्रेशर्स हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास सेल्स टारगेट को अचीव करने की क्षमता, उसके बाद वर्क अंडर प्रेशर की एबिलिटी भी आपके पास होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स आप जैसा आप सभी जानते हैं प्राइवेट बैंकों का जो वर्किंग कल्चर रहता है वो सेल्स बेस्ड रहता है और सेल्स में जो सेल्स टारगेट सारी चीज़ें जो रहती हैं ये फ्रेंड्स वहाँ पर काम करने का तरीका रहता है। तो जो बंदे इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं वो इसमें सक्सेस उनको मिल जाती है, वो रेगुलर इस पर वर्क करते रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। लेकिन जो कैंडिडेट सेल्स प्रोफाइल के लिए फिट नहीं होते हैं उनको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकती है। सो फ्रेंड्स ये सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके ही आप प्राइवेट बैंकों को ज्वाइन करें फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स वो है बैक ऑफिस की, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप फ्रेशर्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और लोकेशन रहेगा आपका कॉरपोरेट ऑफिस जालंधर। देन उसके बाद है लॉ ऑफिसर की, इस पोस्ट के लिए आपके पास लॉ की मास्टर डिग्री होना चाहिए और 2 to 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। देन उसके बाद बैक ऑफिस की नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें भी फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 0 to 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तब भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हियर में क्लिक करके आप अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर इसके बाद भी आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप इस बैंक की जो आपके नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर आप रिज्यूम लेके डायरेक्ट यहाँ पर जाएं और यहाँ की जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में पता करें और जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो फ्रेंड जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपके पास रिस्पॉन्स आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, इसलिए इसे ही यूज़ करें। अगर ब्रांचेस दूर हैं तब फिर आप ऑनलाइन प्रयास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये रही सभी इन्फॉर्मेशन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की करंट ओपनिंग से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।